लगान का डायग्राम में किस प्रकार रेखा चित्र के द्वारा आभास लगान को समझाया गया है। तो देखिए, इस डायग्राम को बनाने के लिए मैं एक बार आपको यहाँ वापस कैसे यह डायग्राम बनाना है वो बताऊंगी कि सबसे पहले आपको इस स्टाइल से ओ एक्स एक्सिस ले लेने हैं। यहाँ पर आपकी थ्री पैरेलल लाइन है, ए आर वन, ए आर टू एंड ए आर थ्री, ये आपकी तीन लाइन होगी। एस एम सी जो है हमारा शॉर्ट टर्म, वो इस स्टाइल से जाएगा। ये एस एम सी हमारा इस स्टाइल से यहाँ से जाएगा। सबसे पहले हमें शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के डायग्राम को बनाना है। तो शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो डायग्राम है आपका, वो इस स्टाइल से जाएगा। इसका बॉटम यहाँ से टच करता हुआ आपका ऊपर निकल जाएगा। ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की डायग्राम। अब बात आती है एस एस ई की, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट। तो शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट का जो डायग्राम होगा वो आपका इस स्टाइल से बाउल शेप में यहाँ से इस स्टाइल से निकल जाएगा। इस बाउल को थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिए, बाउल शेप में होनी चाहिए आपकी कॉस्ट की लाइंस ये। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए आर इक्वल टू एम आर वन, ए आर इक्वल टू एम आर टू, ए आर टू और एम आर टू, ये इस स्टाइल से हमारे तीन हो गए। यहाँ पर वही ए आर इक्वल टू एम आर, ए आर इक्वल टू एम आर और ए आर इक्वल टू एम आर, हमने ये डायग्राम बना लिया। अब आपको क्या देखना है, सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट ए पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आता है, दूसरा बी पॉइंट पर आता है और तीसरा सी पॉइंट पर आपका इक्विलिब्रियम हो रहा है। फर्स्ट पर वेयर आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सेकंड पर ये है और थर्ड पर ये है। तो यहाँ पर इस स्टाइल से हमारे प्रोडक्शन का आउटपुट जो है वो डिटरमिनेट हो जाता है कि हमें कितनी कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है। यहाँ तक ये डायग्राम समझ में आ गया। अब आप देखिए सबसे पहली बात, ये आप देखिए ए पर, ए पॉइंट पर क्या है, यहाँ आपका ए पॉइंट है, इसमें ये ए पॉइंट यहाँ पर है, ये बड़े में बना रखा है, ये छोटे में बना रखा है। तो ए बिंदु पर क्या होगा, आपकी जो भी है एम आर इज इक्वल टू एम सी है, ये आपकी एम आर और ये एम सी। तो ए पर क्या हो गया, एम आर इज इक्वल टू एम सी हो गया। ए बिंदु पर एम आर इज इक्वल टू एम सी हो गया। तो यहाँ पर जो प्राइस का डिटरमिनेशन हुआ वो जाकर के होता है पी वन, यहाँ से हम प्राइस का डिटरमिनेशन करते हैं। तो ये हो गया पी वन ए आर, ये आपका एम आर इज इक्वल टू एम सी, ये वाला आपका एम सी का कर्व था, ये आपका एस ए सी का है और ये एस ए बी सी का है। शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का इस स्टाइल के ये एवरेज कर्व हो गए। अब यहाँ पर आपकी कीमत ये हो गई और हमारा जो फर्म का जो उत्पादन है वो यहाँ पर होगा ओ क्यू, ओ एक्स वाई, ओ एक्स वाई, ये आपके एक्सिस डिसाइड हो गए। तो यहाँ पर हमारी कीमत हो गई पी टू, कीमत हो जाती है सॉरी पी वन, कीमत है हमारी पी वन और प्रोडक्शन की क्वांटिटी है हमारी ओ क्यू वन का हमारा प्रोडक्शन हो जाता है सबसे फर्स्ट पर। और यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का कोई भी लगान प्राप्त नहीं होता है, लगान जो है वो शून्य रहेगा। ए पर उस फैक्टर को किसी भी प्रकार का लगान प्राप्त नहीं होगा, लगान बिल्कुल शून्य होगा क्योंकि पर उसकी जो कॉस्ट है वही उसका प्राइस आ रहा है। कीमत, प्राइस, कॉस्ट और रेवेन्यू, किसी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस साधन को किसी भी प्रकार का फर्स्ट कंडीशन में कोई भी लगान प्राप्त नहीं हो रहा है। वापस देख लीजिए ये कर्व कैसे बनाए हैं, कर्व बनाने हैं, ए बिंदु पर कीमत पी वन हुई है, उत्पादन की मात्रा ये हुई है और यहाँ पर उसको लगान शून्य मिल रहा है क्योंकि उसकी एम आर इज इक्वल टू एम सी होने की वजह से उसको किसी प्रकार का कोई भी लगान यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं कि कीमतें बढ़ी, कीमत बढ़कर के P2 हो जाती है, ये हो गई आपकी कीमत P2, यहाँ पर ये हो गई कीमत P2, इस डायग्राम में कीमत हो गई आपकी ये P2। और कीमत जब P2 हो जाती है तो हमारे प्रोडक्शन का डिटरमिनेशन यहाँ होता है OQ2, प्रोडक्शन का डिटरमिनेशन होता है यहाँ पर 2। तो कीमत क्या हो गई, P2 हो गई और प्रोडक्शन का आउटपुट हो गया हमारा Q2 जा करके हो गया। अब आपको देखो मैंने क्या किया है, सबसे पहले यहां से
ये जो है आपका यहाँ पर, इसको ये टच कर रही है लाइन, एक बार थोड़ा सा अच्छे से बना लो इसको, थोड़ा सा ऊपर उठा करके ले चलते हैं ऐसे। यहाँ आप देखोगे कि ये लाइन इसको टच कर रही है, तो यहाँ से एक रेखा लाएंगे हम, ये वाली रेखा यहाँ से लेकर के आएंगे जहां मैंने ई एफ बिंदु डाला है, और यहाँ पर मैं इसी रेखा को आगे तक जब मैं लाती हूँ तो ये मेरा यहाँ पर जी बिंदु हो जाता है। देखिए ऊपर वाले में देखिए, जब ये कर्व यहाँ से इस स्टाइल से पास होते हुए जाता है तो इस वाली प्रोडक्शन लाइन को यहाँ टच कर रहा है, तो यहाँ से मैं फिर एक पैरेलल लाइन बनाती हूँ जो आपके ओ एक्स एक्सिस की होती है, वहां मैंने आपको जी बिंदु डाल दिया और यहाँ मैंने एफ बिंदु डाल दिया। आपको बस इसी स्टाइल से एक थोड़ी सी लाइन को टच करना है, इतना सा रेक्टेंगुलर पार्ट छोड़ करके। तो यहाँ हम देखेंगे कि बी एफ प्रति इकाई आभास लगान प्राप्त हो रहा है, हमें जो आभास लगान प्राप्त हो रहा है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का होगा, तो आभास लगान प्रति इकाई जो हमें प्राप्त हो रहा है वो बी एफ के बराबर प्राप्त हो रहा है। ऊपर बता देती हूँ कि यहाँ पर बी और एफ के बराबर जो है वो प्रति इकाई आभास लगान प्राप्त हो रहा है, प्रति इकाई आभास लगान प्राप्त हो रहा है। अब इस डायग्राम में देख लीजिए, ये यहाँ पर है आपका एफ बिंदु, यहाँ से चलना है ऊपर, तो ये हो गया बी और एफ, और बी एफ प्रति इकाई आभास लगान प्राप्त हो रहा है, और कुल आभास लगान कितना होगा जी एफ बी पी टू, कुल आभास लगान कितना होगा, अब मैं लगा देती हूँ, कुल आभास लगान इज इक्वल टू आपका ये रेक्टेंगुलर पार्ट जी एफ बी पी टू, बी और पी टू, ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, कुल आपका आभास लगान जो है वो प्राप्त हो गया, जो आपकी स्थिर लागत के बराबर है। ये किसके बराबर है, आपकी इन दोनों कोस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारी फिक्स्ड कोस्ट ही है। तो यहाँ पर जो आपको आभास लगान मिल रहा है वो कुल स्थिर लागतों के अंतर के बराबर प्राप्त हो रहा है। ये जो आभास लगान हमें मिल रहा है, देखिए ये बीसी है और ये एसी है, इट मींस दिस इज द डिफरेंस ऑफ आवर एफसी, तो यहाँ पर स्थिर लागत के बराबर आपको क्या प्राप्त हो रहा है, आभास लगान प्राप्त हो रहा है। और पी टू सम में से आपकी जो उत्पादन की मात्रा है आपकी, ये वाली ओ क्यू टू हम उत्पादन की मात्रा को प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ तक आपके समझ में आ गया कि ये था परिकाई और ये आपको ये मिल रहा है। अब देखिए प्राइस और बढ़ जाते हैं, प्राइस बढ़ करके पी थ्री हो गए, उसी उत्पादन की, उस उत्पादन के साधन की किसी की भी जो कोस्ट है वो इंक्रीज हो गई और पी थ्री हो गई, पी थ्री हो गई, तो यहाँ पर एम सी इज इक्वल टू एम आर जो है वो सी बिंदु पर है, सी बिंदु से हमने आउटपुट का डिटर्मिनेशन किया तो क्यू थ्री आया, यहाँ सी बिंदु से मैंने आउटपुट का डिटर्मिनेशन किया तो ये Q3 आ गया, तो कीमतें क्या बढ़ करके हो गई, कीमतें हो गई हमारी P3 और हमारा प्रोडक्शन या आउटपुट जो है वो OQ3 जा करके हमारा आउटपुट हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए आपको प्रति इकाई आभास लगान कितना प्राप्त हो रहा है, प्रति इकाई आभास लगान, इसके लिए हमें एक देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ से क्या हुआ, जब ये ऊपर की ओर गया तो इस वाली लाइन को ये यहाँ टच कर रहा है यहाँ, तो यहाँ मैं ई बिंदु डालूंगी और ई बिंदु से वापस मैं एक पैरेलल लाइन लाती हूँ जो एच तक आकर के रुक जाती है। इस ग्राफ में आप देख लीजिए कि ये लाइन कहाँ तक गई, इस लाइन ने इसको यहाँ टच किया, कहाँ, यहाँ जाकर के टच किया, ये वाली जो आपकी है वो सी पॉइंट को यहाँ टच करती है, तो यहाँ से मैं वापस एक पैरेलल लाइन लाती हूँ, यहाँ मैंने लिख लिया E, E हो चुका था तो F लिख देते हैं, F E कुछ भी, अगर आपने यहाँ E लिखा तो वहां F लिख दीजिए, वहां लिखा और ये हो गया आपका H, ये हो गया H और ये हो गया F, और इसमें देखिए ये यहाँ था और ये यहाँ से यहाँ आ गया। अब आप देखोगे कि यहाँ पर आपको जो लगान मिल रहा है, आपका प्रति इकाई जो लगान है वो सी ई के बराबर है, आपका प्रति इकाई लगान आपको जो मिल रहा है वो CE के बराबर जो है वो आपका प्रति इकाई लगान प्राप्त हो रहा है। ये हमने कैसे निकाला कि हमारी जो टोटल एवरेज जो रेवेन्यू हो रही है
उसमें से मैंने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया, एवरेज रेवेन्यू में से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मैंने माइनस कर दिया, दिस इज माय एवरेज रेवेन्यू एंड दिस इज माय एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसको मैंने माइनस किया तो वापस मुझे सीई के बराबर जो है वो आभास लगान प्राप्त हो जाता है। और मुझे अब कुल आभास लगान कितना मिलेगा इस पूरे रेक्टेंगुलर पार्ट से एच ई सी पी थ्री, कहां तक मिलेगा मुझे कुल आभास लगान? कुल आभास लगान मिलेगा एच ई सी और पी थ्री, इस रेक्टेंगुलर पार्ट के इक्वल मुझे कुल आभास लगान की प्राप्ति इसमें होगी। अब इस कुल आभास लगान के दो भाग है, इसके अगर मैं इस रेक्टेंगुलर पार्ट को देखती हूँ यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के, फिर यहाँ से लेकर के और फिर वापस इसी एच तक आना मुझे, तो इस आयताकार पार्ट में मैं देख रही हूँ कि मुझे ये जो है कुल आभास लगान की प्राप्ति हुई इस पूरे रेक्टेंगुलर पार्ट जितना। इसमें अगर मैं इसी डायग्राम में चलती हूँ तो यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के वापस यहाँ तक और फिर ये एच बिंदु तक आ गया, ये मेरा कुल आभास लगान हो गया। अब आभास लगान के दो भाग हो गए, पहला सी डी और दूसरा डी ई। ये आभास लगान देख रहे हो, पहला तो हो गया डी ई और दूसरा हो गया सी डी। आभास लगान दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक यहाँ तक का और एक आपका यहाँ तक का, कुल दो पार्ट इसमें डिवाइड हो जाते हैं। तो प्रति इकाई जो आभास लगान है वो आपके एफ सी के बराबर होगा, प्रति इकाई आभास लगान किसके बराबर होगा? एफ सी के इक्वल होगा। जो भी आपकी फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट आ रही, फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट और ये टोटल कॉस्ट, इसमें ये आपका जो अंतर है वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट का अंतर है, तो एवरेज जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है उसके अंतर के बराबर प्रति इकाई आभास लगान होगा, प्रति इकाई आभास लगान का पार्ट आपको यही होगा। और सी डी जो है वो हमारा लाभ है, सी डी क्या होगा यहाँ पर आपका लाभ होगा, और डी ई जो है वो प्रति इकाई आपकी एफ सी है, डी ई क्या है आपकी प्रति इकाई एफ सी है। देखिए ये पूरा का पूरा लाइन है, सी डी जो है वो हमारा प्रॉफिट हो गया, सी डी जो है वो हमारा प्रॉफिट है और डी ई जो है वही एफ सी है और वही हमारा आभास लगान भी होगा। तो आभास लगान आपकी स्थिर लागत से अधिक है, आभास लगान जो है वो हमारा स्थिर लागत से अधिक है, कुल आभास लगान कुल स्थिर लागतों की तुलना में बहुत ज्यादा अधिक है, कुल स्थिर लागतें तो आपकी यहीं तक है जबकि कुल आभास लगान यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार ये एक आभास लगान का विचार है जो प्रोफेसर मार्शल ने डायग्राम के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यहाँ कहा गया है कि आभास लगान जो है वो स्थिर लागत से कम अधिक या बराबर हो सकता है, किसी भी कंडीशन में आभास लगान जो है, इट मे बी पॉसिबल कि इट इज इक्वल टू एफसी, इट मे बी पॉसिबल कि आभास लगान इज ग्रेटर देन एफसी, कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, तो आभास लगान इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है या इसके बराबर किसी भी कंडीशन में हो सकता है। अब सपोज कीजिए कि इफ इट इज ग्रेटर तो क्या होगा, हमें लाभ होगा, अगर इक्वल हुआ तो आपको सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी, सामान्य लाभ होगा, ऑलमोस्ट कम नहीं होता है ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर दो कंडीशन बताई गई है कि अगर ये बराबर हुआ तो एक नॉर्मल प्रॉफिट आपको मिलेगा, और अगर आपका आभास लगान आपकी एफ सी से थोड़ा सा ज्यादा होता है तो वो कंडीशन मार्शल ने कही है कि वो प्रॉफिट की कंडीशन होती है। ऑलमोस्ट ये माना गया है कि हमारा जो आभास लगान है इट इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू आपके जो नॉर्मल प्राइस है उसके बराबर हो सकता है या नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। इफ इट इज इक्वल देन इट इज सेड टू बी सेड दैट आपको नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हुआ है। तो तीन कंडीशन हो गई, आभास लगान बराबर हो गया, कम हो गया, बराबर होगा तो क्या होगा और इसका कम होगा तो क्या होगा। अब इन्होंने बताया है कि आभास लगान किस किस को मिल सकता है, तो आभास लगान सबसे पहला निर्जीव पूंजीगत वस्तुओं को मिल सकता है, निर्जीव पूंजीगत वस्तुओं को मिल सकता है आभास लगान, उसके बाद मानव निर्मित वस्तुओं को मिल सकता है,
मानव निर्मित वस्तुओं को भी आवास लगान मिल सकता है, श्रम को भी है, वो अपनी व्यक्ति को भी मिल सकता है, श्रम को मिल सकता है, किसी को भी जो है, जिसकी भी पूर्ति बैलोचदार हो, जिसकी भी पूर्ति अल्पकाल में क्या हो, बैलोचदार हो, उन सभी साधनों को आवास लगान की प्राप्ति हो सकती है। तो मार्शल ने कहा, दूसरे भी हमारे अर्थशास्त्री आधुनिक और ट्रेडिशनल सभी ने कहा कि निर्जीव पूंजीगत वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं, श्रम है, पर्टिकुलर पर्सन है, अगर उसमें कोई स्पेशल क्वालिटीज है, साहसी है, जिनकी भी पूर्ति अल्पकाल में बैलोचदार रहती हो, उन सभी साधनों को आभास लगान प्राप्त हो सकता है। तो पहली बात यह आ गई कि आभास लगान किस किस को प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि पूंजीगत यंत्रों पर भी अल्पकाल में आभास लगान प्राप्त हो सकता है। तो पूंजीगत यंत्रों में मैंने आपको बताया, जो भी आपके पूंजीगत यंत्र हैं, अल्पकाल में उनको क्या मिल सकता है, आभास लगान मिल सकता है। आभास लगान पूंजीगत यंत्रों को मिल सकता है, परंतु दीर्घ काल में ये किसके बराबर हो जाएगा? जब इसी साधन पर दीर्घकालीन बात आई तो दीर्घ काल में ये उसकी अवसर लागत या हस्तांतरण आय के बराबर हो जाएगा। अवसर लागत या हस्तांतरण आय के बराबर हो जाएगा। एक बात इन्होंने यह भी कही है कि कोई भी पूंजीगत साधन है, किसी भी प्रकार की मशीन, प्लांट, कुछ भी, तो उसको अल्पकाल में आभास लगान मिलता है। वो आभास लगान किसके बराबर हो जाएगा? दीर्घ काल में, अगर आप उसी मशीन की बात कर रहे हो, तो दीर्घ काल में वो उस मशीन की अवसर लागत हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी, और या फिर उसकी हस्तांतरण आय हो जाएगी। तो शॉर्ट टर्म में तो आभास लगान, लॉन्ग टर्म में इट विल कन्वर्ट इनटू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड ट्रांसफर इनकम, उसके बराबर भी हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि अल्पकाल में आभास लगान एक प्रकार की बचत है। अल्पकाल में आभास लगान एक प्रकार की बचत है, एक प्रकार की बचत है कि इट मीन शॉर्ट टर्म में जो भी किसी साधन को आभास लगान मिल रहा है, तो वो उस साधन की एकमात्र जो है वो बचत हो सकती है। तथा ये किससे निर्धारित होती है? कीमत से निर्धारित होती है, तथा कीमत से निर्धारित होती है, कीमत से निर्धारित होती है। अल्पकाल में किसी भी साधन को जो आभास लगान प्राप्त होता है, वो एक प्रकार से उसकी सेविंग है, एंड इट इज डिटरमिनेट ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइस, प्राइस के अकॉर्डिंग तय होती है। अगर आपके प्राइस हाई है तो आपका आभास लगान जो है वो हाई होगा, और अगर उस साधन की कीमत कम है तो उसका आभास लगान भी कम होगा। ये बात भी आधुनिक और परंपरागत दोनों अर्थशास्त्रियों ने कही है कि अल्पकाल में आभास लगान एक प्रकार की बचत है, और जो उससे कीमत से निर्धारित होती है, टोटली डिपेंड अपॉन कीमत, परंतु दीर्घ काल में क्या हो जाएगी? हस्तांतरण आय के रूप में हो जाएगी। दीर्घ काल में यह हस्तांतरण आय के रूप में हो जाती है, हस्तांतरण आय के रूप में बदल जाती है। दीर्घ काल में हस्तांतरण आय के रूप में बदल करके लागत का एक अंग बनकर कीमत को प्रभावित करती है, लागत का एक अंग बनकर कीमत को प्रभावित करती है, कीमत को प्रभावित करती है। आगे आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं, तो ये बात समझ में आ गई, बचत थी और आपकी कीमत का जो है वो एक अंग बन जाती है, पर दीर्घ काल में ये आपकी ट्रांसफर इनकम के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और ये ट्रांसफर इनकम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक कॉस्ट बन जाती है, उसका एक लागत का एक अंग बन जाती है यही, और लागत का अंग बन करके ये कीमत को प्रभावित करती है। फिर कॉस्ट को अगर इसने इंक्रीज कर दिया तो आपका प्रॉफिट जो है वो, आपकी कीमत ज्यादा हो जाएगी, कॉस्ट को डिक्रीज करती है तो आपकी कीमत जो है वो कम हो जाएगी। तो ये पूरा आभास लगान के बारे में एक आपको शॉर्ट जो है वो एक्सप्लेन किया। इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लेना, तीन आपको एआर एमआर बतानी है, डायरेक्ट एक एमसी ऊपर जाएगी, पहली आपकी ऐसे एसवीसी जाएगी और फिर एसएससी जाएगी। यहाँ जब टच कर रही है इस बी बिंदु वाली को, तो यह बिंदु रखना है, सी वाली को टच करनी है तो आपको ये वाला बिंदु यहाँ पर रखना है। अब हम देखते हैं आभास लगान और आर्थिक लगान के बीच में अंतर। तो इससे
पहले जो रिकार्डो ने और आपको आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने बताया वो था आर्थिक लगान, जो हमने भूमि के संदर्भ में देखा था, भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के बदले में, और अभी जो हम देख रहे थे वो था आपका आभास लगान। दो प्रकार की कंडीशन थी, दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी कि रियल में आभास लगान और ये क्या लगान होता है। तो सबसे पहले आर्थिक लगान किसको प्राप्त होता है? जिन उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति अल्पकाल में सीमितता हो, उर्वरा शक्ति में भिन्नता हो, स्थिति में अंतर हो, उसकी एक्चुअल इनकम और उसकी ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस हो, तो ये आपको आर्थिक लगान प्रदान करेगा। लेकिन आभास लगान कब देता है? उत्पत्ति के वह साधन, उत्पत्ति के वह साधन जो अल्पकाल में पूर्ति की सीमितता के कारण कुछ अतिरिक्त आय अर्जित करते हैं, वो अतिरिक्त आय ही लगान है। अतिरिक्त जो आय होती है एटलीस्ट वही आपका आभास लगान है। दोनों प्रकार के डेफिनेशन मैंने आपको बता रखी है, तो दोनों प्रकार की डेफिनेशन को लिख दीजिए, दोनों का मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि ये शॉर्ट टर्म में मिलता है जबकि ये आपको लॉन्ग टर्म तक भी मिलता रहेगा। तो ये क्यों मिलता है, उसके कारण मैंने आपको आधुनिक और रिकार्डो दोनों की थ्योरी बता देनी, इसमें मार्शल के ओपिनियन आपको लिख देने कि शॉर्ट टर्म में सप्लाई की सीमितता के कारण जो अतिरिक्त आय प्राप्त होती है एटलीस्ट वही आपका आभास लगान है। अब ये जो आर्थिक लगान है इसका अस्तित्व दीर्घकाल में भी रहेगा, आर्थिक लगान का अस्तित्व दीर्घकाल में भी रहता, आर्थिक लगान का अस्तित्व दीर्घकाल में भी रहता है। जबकि आभास लगान का अस्तित्व अल्पकाल में भी रहता है, आभास लगान का अस्तित्व अल्पकाल में ही रहता है, दीर्घकाल में यह समाप्त हो जाता है। तो यहां पर बताया गया है कि आर्थिक लगान जो होता है उसका अस्तित्व लॉन्ग टर्म में भी रहता है, शॉर्ट टर्म में भी रहता है, जबकि आभास लगान का अस्तित्व केवल मात्र यह शॉर्ट टर्म में ही रहता है, दीर्घकाल में यह ऑलमोस्ट समाप्त हो जाते हैं। इसमें भूमि को मिलने वाला लगान आर्थिक लगान कहलाता है, भूमि को मिलने वाला लगान आर्थिक लगान कहलाता है। जबकि उत्पत्ति के वह साधन जिनकी पूर्ति सीमित हो, भूमि के अतिरिक्त उत्पत्ति के वह साधन, ये आपको इसमें लिखना पड़ेगा, भूमि के अतिरिक्त उत्पत्ति के वह साधन जिनकी पूर्ति अल्पकाल में सीमित हो, जिनकी पूर्ति अल्पकाल में सीमित हो उनको मिलेगा। तीसरा अंतर आता है कि भूमि को मिलने वाला लगान हमेशा आर्थिक लगान ही कहलाता है, जबकि यहाँ कहा गया है कि भूमि के अतिरिक्त उत्पत्ति के जितने भी साधन हैं जिनकी पूर्ति अल्पकाल में प्राय स्थिर रहती हो एटलीस्ट उनको मिलने वाला जो लगान है वो आपका आभास लगान कहलाया जाएगा। तो ये था आभास लगान और आपके इस लगान में अंतर। अब यहाँ पर कुछ करैक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पर बताया गया है कि आर्थिक लगान स्थायी प्रकृति का होता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये स्थायी प्रकृति का होता है, आर्थिक लगान स्थायी प्रकृति का होता है, जबकि ये जो है वो परिवर्तनशील प्रकृति का होता है, ये बदलता जाता है, ये आपके परिवर्तनशील प्रकृति का होता है। और इसको निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि TR में से माइनस कर दीजिए TVC, जबकि इसमें से आपकी एक्चुअल इनकम में से माइनस कर दीजिए आप अपनी ट्रांसफर इनकम, तो आपके निकल के आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले वाइज और ये हो गया आपका अंतर। अब देखिए आप इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कि रियल में आभास लगान क्या चीज है, तो आप इसको पूरा एक बार वापस रिवाइज कर लोगे। सबसे पहली बात, अल्पकाल में जिन साधनों की पूर्ति स्थिर होती है उन्हें ही आभास लगान प्राप्त होता है, तो आभास लगान का उदय वहीं से हुआ।
जब मार्शल को पता चला कि कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐसे होते हैं जो जो शॉर्ट टर्म में जिनकी सप्लाई कांस्टेंट रहती है, वहां से आभास लगान का उदय हुआ। उसके बाद मजदूरी व लाभांश, मजदूरी व लाभ में भी आभास लगान जुड़ा हुआ था, ये बात मार्शल ने कही थी। तो ये भी इसका एक मेन पॉइंट है कि मजदूरी व लाभ में भी आभास लगान जुड़ा हुआ रहता है। तीसरी बात, ये फॉर्मूला हो गया कि टोटल रेवेन्यू में से माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू आभास लगान होता है, ये इसकी समरी है। उसके बाद ऐसी योग्यता वाले व्यक्ति जिन्होंने अपनी योग्यता अर्जित करने में कुछ पूंजी विनियोजित की है, तो अपनी योग्यता के बदले में अगर वो कुछ एक्सेस में अर्न कर देते हैं, देन इट इज ऑल्सो नोन एज आभास लगान। उसको भी हम आभास लगान के नाम से कहेंगे। जब कोई पर्टिकुलर पर्सन, मानव, अपनी व्यक्तिगत योग्यता में सुधार कर लेता है कुछ पूंजी विनियोग कर करके, तो उसको जो लगान प्राप्त होता है वो होता है। साधन की पूर्ति अल्पकाल में बलोचदार होनी चाहिए, बस अल्पकाल में ही बलोचदार होनी चाहिए, दीर्घ काल में नहीं, फिर वो कुछ थ्योरी बदल जाएगी। शॉर्ट टर्म में आपकी सप्लाई कांस्टेंट है, बट लॉन्ग टर्म में चेंजेबल है, आपकी सप्लाई में परिवर्तन हो सकते हैं। उसके बाद स्थानांतरण आय का प्रयोग जिस प्रकार के लगान के लिए किया, उसी प्रकार आभास लगान के विश्लेषण में भी किया जाता है। जैसे स्थानांतरण आय, ट्रांसफर इनकम को हमने किस में लिया था, आर्थिक लगान में लिया था, उसी प्रकार वहां स्थानांतरण आय थी और यहाँ हस्तांतरण आय हो गई, तो उसका प्रयोग आभास लगान के निर्धारण में किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आभास लगान।